फख्र मिल्लत ने यह भी कहा था उस वक्त, मुझे पढ़कर न सिर्फ फख्र महसूस हुई बल्कि एक जज्बा सीने में पैदा हुआ। उन्होंने फख्र मिल्लत रहमान ने अपने उस दिन की तकरीर में कहा कि मुल्क के 11 करोड़ मुसलमान अपनी कमजोरी को सुने, गौर से सुनने वालों, फख्र मिल्लत रहमान ने उस दिन अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क के 11 करोड़ मुसलमान अपनी कमजोरी को मुल्क की कमजोरी तसव्वुर करते हैं, अपनी कमजोरी को मुल्क की कमजोरी तसव्वुर करते हैं। और उसके बाद क्या वलवला अंगेज जुमला और अल्फाज को बयान किया फख्र मिल्लत ने, कहा हम फकीरों की फौज या जराइम पेशा टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते, हम खुशहाल जिंदगी चाहते हैं ताकि मुल्क खुशहाल रहे। मंजिल मारते बर्क रफ्तार शहसवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमो से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीस्त नाबूद कर दे, मुझे सीना अर्ज पर कहीं पना ना मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए, अपने अजीम आबा अजदाद के नाम से, अपने कबीले के नाम से मुझे ताबद कोई ना पहचाने, रब्बे जुल जलाल हर मार्के में मुझे फतेहमंद फरमाए।